पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी रंकापा ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रमुख शरद पवार विपक्षी दलों और खास तौर पर क्षेत्रीय दलों का एकीकृत मोर्चा बनाने का प्रयास करेंगे। रंकापा के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बयान को उद्धृत करते हुए ये बात संवाद दाताओं से कही है। बनर्जी ने कहा कि विपक्ष की एकता जरूरी है। मलिक ने इस बयान पर आगे पलटवार करते हुए कहा है कि शरद पवार ने भी बंगाल चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया। अगले कुछ दिनों में पवार विपक्षी दलों और खास तौर पर क्षेत्रीय दलों की एकता के लिए काम करेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की निंदा करने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल 100 दिनों तक निर्वाचन आयोग के प्रभाव में रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी हिंसा की खबरें आई है। जवाबदेही तय करने की जरूरत है। चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की निंदा करने की जरूरत है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए मलिक ने कहा कि भगवा दल को नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए और ममता बनर्जी सरकार को काम कर देना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि शरद पवार और ममता बनर्जी के साथ मिलकर विपक्ष की एकता को एकजुट कर पाते हैं और मजबूत कर पाते हैं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।